ख्याल है हमारे एमक्यूएम के साथी जो है हैदर रिजवी भी आ गए हैं और हमारे डिप्टी इकबाल भी आ गए हैं, इनसे इनसे पूछते हैं, ये बेहतर बता सकते हैं कि इन्होंने मुखालफत में वोट देना क्यों नहीं मुनासिब समझा सिंध में? क्या हुआ, गवर्नरशिप तो नहीं? बुनियादी तौर पर सिंध में हम कोएलिशन पार्टनर्स हैं और हमें उसका भी लिहाज है, और हमसे कहा गया, हमसे रिक्वेस्ट की गई कि कम से कम आप इस हवाले से, क्योंकि वहां पर सवाल मुआवजे का नहीं है, तो आप कम से कम अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करें तो आप एब्सटेन करें, क्योंकि सवाल मुआवजे का नहीं था। मुआवजे के बारे में हम अपनी बहुत क्लियर पॉलिसी दे चुके हैं कि हम उसकी हर मुमकिन मुखालफत करेंगे, तो लिहाजा जब सवाल मुआवजे का नहीं था तो हमने अपने कोएलिशन पार्टनर्स की बात को सामने रखा और हमने एब्सटेन करना मुनासिब समझा। और एब्सटेन खुद जो है एक बहुत बड़ा मैसेज है जनरल मुशर्रफ के लिए कि आप एमक्यूएम भी उनके साथ नहीं। आपको तमाम इख्तियारात हासिल हैं कि आप चीजों का मतलब बस खुद निकालें। हम ये समझते हैं कि हम कंसर्न क्वार्टर्स और जो लोग भी इस तहरीक में शामिल हैं, चाहे हक में हैं चाहे मुखालफत में हैं, वो बहुत क्लियर हैं। और वो आपने कह दिया कि कोलिशन आपके साथ है और आप उनके साथ हैं, इस वजह से आप आइंदा भी कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं? हमने आपसे अर्ज की कि जहां मुआवजे की बात है, हमने बड़े खुल के ये बात की है और शायद हम वो वाहिद जमात हैं जिसने खुल के ये बात की है कि हम मुआवजे की तहरीक का साथ नहीं देंगे और उसकी मुखालफत करेंगे। अगर सवाल मुआवजे का नहीं है और कोलिशन ये कहती है कि मुआवजे का सवाल नहीं है, और फिर जो प्रोविंशियल असेंबली से जो चीजें आ रही हैं, जाहिर है उसमें मुआवजा डिबेट और डिस्कस नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा आप सपोर्ट करें, हमने कहा जी ठीक है हम करते हैं। अगर ये बताएं कि ये जो इम्पीचमेंट है, बेसिकली जाहिर है जिस तरह अभी दो दिन पहले बाबर गौरी से इसी पे मसले पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा 58(2)(b) के हवाले से कि वो आइन का हिस्सा है, 58(2)(b) इम्पीचमेंट भी जाहिर है आइन का एक हिस्सा है। आप क्या समझते हैं कि जो प्रेसिडेंट को इस इम्पीचमेंट को फेस करना चाहिए पार्लियामेंट में आके, या उससे पहले ही कोई फैसला कर लेना चाहिए? इसमें मजहर साहब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी न जाने लोग क्यों ये समझ रहे हैं कि शायद यही दो ऑप्शंस रह गए हैं, अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जाहिर है कि जो लोग गौर कर रहे हैं इस पर, हो सकता है कि बीच में भी वो कोई ऑप्शंस इसमें निकालें, और अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, देखते हैं गौर करते हैं अभी तो क्या चल रहा है। मतलब है कि इस्तीफा पहले ही प्रेसिडेंट दे सकते हैं, ये ऑप्शन भी है? मतलब एक ऑप्शन ये है कि इस्तीफा पहले आ जाए, एक ऑप्शन ये है कि इम्पीचमेंट की तहरीक ही ना जाए पार्लियामेंट में, बहुत सारी चीजें हैं और इट्स ऑल पॉलिटिकल, देखते हैं आगे क्या होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत एमकेएम ने बहुत तरीके से कहा है कि मुखालफत करेंगे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आसमान। उन्होंने बहुत उन्होंने रेजोल्यूशन से एब्सटेन किया है, और उन्होंने जो बात की है वो यही बात की है कि वो इम्पीचमेंट की भरपूर मुखालफत करेंगे अगर इम्पीचमेंट की कोई करारदाद आई।